व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर पहले स्टार्ट करते हैं जो कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देकर। क्वेश्चन था यहाँ पर लेक लोकतक के बारे में, लेक लोकतक के बारे में पूछा था कि ये कहाँ पर लोकेटेड है और क्या ये रामसर कन्वेंशन के अंडर में आती है। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन थे, तो ऑप्शन का जो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है तो ये है बी, यानी कि सेकंड सही है। ये रामसर कन्वेंशन के अंडर में आती है और कब आई थी इसके अंडर में, 23 मार्च 1990 में ये इस कन्वेंशन के अंडर में आई थी। अगर बात करें कहाँ पर लोकेटेड है तो आसाम में लोकेटेड नहीं है ये लेक लोकेटेड है मणिपुर में। और इसी के साथ में ये लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, खासकर बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया की, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बात करें यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो देखिए एक तरीके की ये ट्रीटी है जो कि रामसर जो कि एक सिटी है ईरान में, वहां पर यह कन्वेंशन हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वेटलैंड है यानी कि जो भी लेक वगैरह या झील वगैरह है इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटी की गई, ये कन्वेंशन किया गया और कब किया गया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किया गया था 1971 में, ठीक है, तो 1971 में ये कन्वेंशन किया गया, साइन किया गया ताकि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी यहां पर लेक है झील है इनको यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंस इनकी होती है। और साइन किया गया था 1971 में और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया था 1975 में। जी हाँ, 1975 ये वही साल है जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इस कन्वेंशन में जो लैंग्वेज यूज हुई थी है इंग्लिश, फ्रांस और स्पेनिश, तीन लैंग्वेज यहाँ पर यूज हुई थी। देखिए इंग्लिश तो आप लोगों को नॉर्मली हर जगह देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चलिए इसी बहाने से यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, वेटलैंड जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो रामसर कन्वेंशन यहाँ पर साइन किया गया वेटलैंड को देखकर, आप लोगों को ये बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और यहाँ चलिए क्वेश्चन बताइएगा, लगभग अगर बात की जाए अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की तो लगभग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2300 से ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वेटलैंड है जो कि यहाँ पर इस कन्वेंशन के तहत लिस्ट में रखे गए हैं, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज है यहाँ पर 3 अक्टूबर और आज आप लोग का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर एक और लेक का नाम लिया गया है, तो वेल लेक, इसको जाकर आप लोग मैप में निहारेगा, कल फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा या फिर फेसबुक का पेज और प्रोफाइल दोनों जगह आप लोग को मिल जाएगी, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अलग लिंक रहेगा, जो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो फेसबुक को, जो फेसबुक पर नहीं है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकता है, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर रफेल डील के ऊपर कमेंट किए गए, तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है, क्या क्या बात आ रही है निकल के, और सीधा सीधा यहाँ पर फोकस है 2019 के इलेक्शन पर, तो 19 के इलेक्शन के लिए एक दूसरे के ऊपर छींटे लगाए जा रहे हैं कि ये करप्ट है और इसने ये कर दिया वो कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल यहाँ पर। और हाँ, रफेल डील से रिलेटेड अगर आप लोग जानना चाहते हैं कंप्लीट रफेल डील के बारे में, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया था, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ओनली पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है, यहाँ पर कोई भी काम का पॉइंट नहीं है, ठीक है, लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख सकता है। ये वाला आर्टिकल यहाँ पर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई आज ओथ लेने वाले हैं, तो उसी के बारे में आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है, खासकर पूरा फोकस यहाँ पर दिया गया है ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि इनकी अंडर में यहाँ पर कंप्लीट इंप्लीमेंट किया गया, और भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर इस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। ये वाला आर्टिकल है यहां पर तीन कंट्री के बारे में, तीन कंट्री कौन सी है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, इनके द्वारा भी एक एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया है, इसके ऊपर नजर डालेंगे आखिर किसको क्या फायदा होने वाला है और क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है, तो डिटेल में इसको समझेंगे। ये वाला आर्टिकल है यहां पर किस तरीके से ड्रोन आज के डेट में उड़ाए जाते हैं उसके ऊपर फोकस देकर चला जा रहा है, और हमारी कंट्री कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रही है ड्रोन को अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग इंप्लीमेंट करें, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग देखकर चलें जिस तरीके से ड्रोन की मार्केट उभर कर आ रही है, हम लोगों ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया और बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने हर्डल लगा दिए हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में भी ये इंडस्ट्री आगे न बढ़े। आखिर ऐसा क्यों बोला गया है राइटर के द्वारा, ये हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी देख के इस कंप्लीट लेक्चर को। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इंटरव्यू है क्योंकि वेडनेसडे को आप लोगों को देखने को मिलता है, तो नजर डालेंगे थोड़ा सा अच्छे से स्वच्छ भारत मिशन एक्चुअल में है क्या, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। ये पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला आर्टिकल यहाँ पर बात की जा रही है अंडमान निकोबार के बारे में, अंडमान निकोबार अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए एक बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, पहले तो कि सिचुएटेड कहाँ है, ये यहाँ पर अंडमान निकोबार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये अंडमान निकोबार है और यहाँ आप लोगों को इधर देखने को मिलता है लक्षद्वीप, ओके, तो ये दोनों साइड में हमारे ये आइलैंड है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों हमारी कंट्री के स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खासकर टूरिस्ट एक्टिविटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही आइलैंड यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है। पर लेकिन कई बार क्या होता है जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में अगर कोई पर्सन जम्मू और कश्मीर से यहाँ पर
मेन लैंड में आता है तो बोलता है कि इंडिया जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही फंडा यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आईलैंड से यहाँ पर कोई आता है तो बोल रहे हैं कि इंडिया जा रहे हैं, मेन लैंड में जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अलग थलग सा देखा जाता है यहाँ पर इस तरीके के एरिया को। तो यही बातें बताई जा रही है। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग एरिया से आकर दूसरे एरिया में रहने लगते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, जमीन कर लेते हैं, घर परिवार चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो लोकल कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं डरने लगती है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो वही तमाम बातें यहाँ पर बोली जाती है इस तरीके से कि थोड़ा सा देख के चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए और आगे लेके बढ़ना चाहिए। आइए आज का फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये है 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि चले गए हैं कल 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती के दिन ये यहाँ से निकल लिए हैं और नए यहाँ पर आ रहे हैं आज। ये हैं नए वाले, इनका नाम है रंजन गोगोई, इनका नाम था दीपक मिश्रा। अब ये होंगे 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे आजाद भारत की अगर हम लोग काउंट करें तो। अब यहाँ पर देखिए अगर इनकी बात करें, इनके लिए कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये निकल के आता है, अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये निकल कर आए हैं, यानी कि आसाम वाले एरिया से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकल कर आए हैं हमारी कंट्री में। तो डिटेल में क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। इसी के साथ में इनका अब तक की जो हिस्ट्री रही है थोड़ा उसके ऊपर बात डालते हैं। पहला जो यहाँ पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रहे, ये देखिए आज तक की हमारी कंट्री की हिस्ट्री में कभी भी जो जज थे वो मीडिया में जाकर नहीं बैठे, लेकिन फर्स्ट टाइम 4 जज यहां पर मीडिया में जाकर बैठे और ये भी उसका पार्ट थे। मीडिया में जाकर क्या बोला गया, मीडिया में जाकर सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि देखिए नॉर्मली अगर कोई भी कोर्ट कोई भी अगर केस आता है सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी बेंच को वो केस जाना है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा सबरीमाला टेंपल का केस निकल के आया, सेक्शन 377 वाला केस निकल के आया, इसी तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट केस निकल कर आए। तो ऐसे अगर कोई केस कौन सी बेंच को देना है तो यहां पर डिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर इन 4 जज का बोलना यह था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज की डेट में पार्शियलिटी कर रहे हैं। पार्शियलिटी क्या कर रहे हैं, जो नए जज निकल के आ रहे हैं यानी कि जो जूनियर जज हैं उनको तो अच्छे अच्छे वाले केस दे रहे हैं जिससे कि पूरी कंट्री पर इंपैक्ट पड़ता है, और जो यहां पर सीनियर जज हैं उनको यहां पर ऐसे केस दे रहे हैं जो कि यहां पर लल्लू पंजू टाइप के केस होते हैं, मतलब इनको अच्छे केस नहीं दे रहे हैं सीनियरिटी के बेस पर। तो इसलिए यहां पर कंट्रोवर्सी निकल कर आई और ये यहां पर डायरेक्ट मीडिया में आकर बैठ गए। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला भी गया था पर लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, फिर इन्होंने सोचा कि मीडिया में जाकर बैठते हैं और मीडिया में आकर इन्होंने ये बोला कि देखिए डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है, यानी कि डेमोक्रेसी खतरे में है जिस तरीके डिसीजन लिए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, ये यहां पर इस तरीके आज तक हिस्ट्री में नहीं लिए गए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई तरह की कंट्रोवर्सी यहां पर निकल कर आई, तो ये भी उस टाइम पर इस कंट्रोवर्सी का पार्ट थे। और अब यहां पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, तो देखने को ये मिलेगा कि ये उस चीज को कैसे फॉलो करके चलते हैं और कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर, जो बात यहां पर इन्होंने उस टाइम पर मीडिया में बोली थी, यानी कि अब ये खुद राजा है एक तरीके से देखा जाए। और भी देखिए कई सारी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो आप लोग थोड़ा इसको अलग तरीके से देख सकते हैं, वो कैसे, अगर हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट यहां पर किसी भी रीजन से यहां पर खाली है या यहां पर ये इस तरीके की कंडीशन में नहीं है कि अपनी ड्यूटी को यहां पर अच्छे से निभा सकें, तो उस टाइम पर यहां पर ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही यहां पर ली जाती है। यानी कि अगर यहां पर ये दो पर्सन जो पर्सनैलिटी अनुपस्थित है यहां पर, तो यहां पर यही पर्सनैलिटी है जो कि यहां पर हमारी कंट्री का हेड माना जाएगा। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की काफी इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब आइए आर्टिकल पर थोड़ा नजर डालते हैं। पहला तो यही बोला गया कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन ली जाएगी। अब यहां पर आप लोग देखते हैं कि जनवरी में ये काम किया गया था जब ये मीडिया में जाकर बैठे और वार्निंग दी गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आज तक की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में क्या, जुडिशरी की हिस्ट्री में ऐसा कभी किसी जज के द्वारा नहीं किया गया था। तो उस टाइम पर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी सामने निकल कर आई थी जब हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। देखिए ये जो पैटर्न था कहीं ना कहीं ये गलत था, क्योंकि जो ये बोला गया था कि घर की लड़ाई घर में ही सुलझा लेनी चाहिए, अगर मियां बीबी की लड़ाई पड़ोसी आकर सुलझाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में घर में कंडीशन क्या है, और फिर पड़ोसी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से लड़ाई लगवा दे, एक दूसरे के सामने बुराई कर दे, तो कई सारी प्रॉब्लम बन जाती है। तो कहने का मतलब है अगर यहां पर ये स्त्री की लड़ाई हो रही थी तो आप लोगों को इंटरनली अपने घर में ही सुलझानी थी, वो बाहर लेकर नहीं जानी थी, और मीडिया में तो बिल्कुल भी लेकर नहीं जानी थी। तो यहां पर जो मीडिया में लेकर गए अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन भी बन जाती है, बोलेंगे अगर कोई नए जज आएंगे उनको कोई प्रॉब्लम लगेगी वो भी जाकर मीडिया में बैठ जाएंगे। यानी कि एक ऐसा पैटर्न आके हो सकता है आने वाले टाइम में निकल कर आए कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम लगे अपने सीनियर जज से वो डायरेक्ट वहां पर बात न करके मीडिया में जाकर बैठ जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन बताओ, तो ये गलत बात है। यानी कि जहां तक पॉसिबल हो सके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंटरनल ही सुलझाइए, उसके बाद में आप लोगों को मार्केट में आना चाहिए, ठीक है। अगर दिखे कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तब जाकर आप लोगों को वो स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। तो वो ब्रह्मास्त्र आप लोगों को सबसे बाद में यूज करना चाहिए, मीडिया का वो तो अवेलेबल है ही है, जब आप लोग चाहो तब आ जाएगी निकल के। तो ये यहां पर बहुत ही गलत बात बोली गई थी उस टाइम पर, काफी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था, तो इस टाइम पर ये अलग बात था, ठीक है। अब यहां पर बात की जा रही है, एक इनके अंडर में काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अगर बात करें आसाम की तो आसाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस है।
इस रजिस्टर की क्यों है इंपॉर्टेंस, ये है हमारी कंट्री में आसाम, ठीक है, यहां अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये हो गया यहां पर मेघालय। आसाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अगर हम बात करें 1947 से पहले की, तो ये हमारा पूरा पार्ट है, हमारी कंट्री है, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पर, ये सारा पार्ट हमारा था। पर लेकिन जब आजाद हुआ देश 1947 में, तो देश आजाद हो गया तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग यहां से माइग्रेट करे, इधर से उधर गए और इधर से उधर आए, इसी तरीके से यहां पर भी माइग्रेशन हुआ। तो उस टाइम पर जो माइग्रेशन हुआ यहां पर अलग अलग कंट्री में, ऐसे भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा जो माइग्रेशन यहां पर हुआ था, तो जो ये माइग्रेशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां का जो पॉपुलेशन, जो एरिया वाला जो पॉपुलेशन थी वो बहुत सारे एरिया में वहां पर एक डिफरेंस रेशियो वहां पर हो गया, यानी कि पहले जो पॉपुलेशन थी वो कम थी पर फिर जब यहां पर डिवीजन हुआ कंट्री का तो बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ गई आसाम में। तो पहला जो यहां पर रजिस्टर अपडेट किया गया आसाम को लेकर, ये किया गया था उस टाइम पर, यानी कि आजादी के जस्ट उसी आजादी के जस्ट आसपास में, आजादी के जस्ट पास में। फिर जब यहां पर निकल के आई 1971 की वार, 1971 की वार के टाइम में बांग्लादेश एक नई कंट्री बनकर आया, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि यहां से माइग्रेट होकर इंडिया के अलग अलग एरिया में आकर बस गए थे। रीजन क्या था, रीजन यह था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उनके द्वारा बहुत गलत तरीके से यहां पर, अब बहुत गलत तरीके से यहां पर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, मतलब एक तरीके से जन, एक तरीके से नरसंहार किया गया, यहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, तो जान बचाने के लिए भागे बेचारे तो इधर उधर आए और यहां पर बहुत सारे लोग आसाम में पहुंचे। तो तब से लेके अब तक आसाम की जो जनता है वो काफी परेशान है इस सब चीजों को लेकर, क्योंकि बाहर के लोग यहां पर आकर बस रहे हैं, इनकी जमीन यहां पर हथिया रहे हैं, ऊपर से यहां पर लोग रह रहे हैं और यहां पर जो रोजगार की कमी भी पड़ रही है उन सब रीजन की वजह से। और आप लोग समझ सकते हैं कि कोई अगर किसी के पड़ोस में आकर रहता है तो एडजस्ट होने में थोड़ी तो प्रॉब्लम लगती है, अलग नेचर होता है। मान लीजिए एक वेजिटेरियन है, एक नॉनवेज वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से तो कई तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अलग अलग भी कंडीशन, उनके रिलीजियस एक्टिविटी अलग होते हैं तो इसकी वजह से भी लोग चिढ़ने लगते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं वो एक एक नॉर्मल ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है, बिहेवियर होता है वो चिढ़ने वाला। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये इनसे चिढ़ने लगे। तो तब से लेकर यहां पर एक आसाम अकॉर्ड साइन किया गया। ये क्या था, ये एक तरीके का एग्रीमेंट था कि देखिए आप लोग हमारी जो कंट्री में, हमारे एरिया में जो लोग आकर यहां पर इलीगल माइग्रेंट है उनको यहां से निकालिए, यानी कि आसाम वालों ने यह बोला कि हम यहां पर रहेंगे, बाहर के लोग यहां पर आकर नहीं रहेंगे, तो कुछ ऐसी बात की गई। तो जब यह बात की गई यहां पर, तो फिर बोला कि एक और यहां पर रजिस्टर अपडेट करते हैं, तो उस रजिस्टर को अपडेट करने की बात की गई और यहां पर बोला, यह केस पहुंचा उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, तो उस टाइम पर बोला कि इसको अपडेट कीजिए। तो अब यहां पर जो बात निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि देखिए आसाम अकॉर्ड के हिसाब से यहां पर इसको अपडेट करना है, जो उस टाइम पर बात बोली गई थी यहां पर आसाम के ही सिटीजन रहेंगे। तो फिर अभी जो रजिस्टर निकल कर आया, ये रजिस्टर आप लोग देखते हैं जो यहां पर पिटीशन फाइल की गई, यानी कि जो एप्लीकेशन भरे गए यहां पर, ये 3,29,00,000 के द्वारा यहां पर फॉर्म भरे गए। इनमें से यहां पर जो बचे थे उनका तो नाम आ गया, यानी कि 2,48,00,000 जो लोग थे उनको तो यहां पर नाम आ गया, पर लेकिन जो बच गए यहां पर लगभग कितने 40,00,000 जो बच गए यहां पर, उनका यहां पर नाम नहीं आया। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर इसको फिर से सुन लीजिए। अभी यहाँ पर जो फॉर्म डाले गए, एक बार फिर से सुन लीजिए इसको ध्यान से, जो फॉर्म यहाँ पर निकल कर आए 3,29,00,000 निकल कर आए, पर अब आप लोगों को मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, 40,00,000 जो वोटर थे, 40,00,000 जो वोटर थे यहाँ पर, जिन्होंने 40,00,000 जो पर्सन थे यहाँ पर, उनको बोला गया कि इनके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे यहाँ पर प्रूफ किया जा सके कि यहाँ पर ये हमारी कंट्री के सिटीजन है। और बच गए यहाँ पर, बच गए लगभग 2,80,00,000 के करीब जो लोग बच गए यहाँ पर, ठीक है, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से सिटीजनशिप का दर्जा दे दिया गया, यानी कि उनके पास में प्रूफ था। तो इसके ऊपर जो खर्चा आया लगभग ये 1200 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा आया। और अभी जो नेक्स्ट जो यहाँ पर रिलीज होने वाली है लिस्ट, ये होने वाली है 31 दिसंबर 2018 में, यानी कि जो 40,00,000 बच गए थे उनको फिर से दिया गया कि आप लोग फिर से अपना डॉक्यूमेंट लेकर आइए, उनको फिर से बोला गया कि आप लोग फिर से आकर यहां पर चीजों को चेक करा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है जो पूरा प्रोसीजर चला यहां पर, ये इनके अंडर में चल रहा है और अभी भी आगे यहां पर चलने वाला है। तो कई सारे इंपॉर्टेंस केस यहां पर इनके अंडर में निकल कर आए, तो कई सारी तमाम बातें इनके बारे में इस तरीके से डिस्कस की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इनके बारे में रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक नए एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट के बारे में क्या है, ये एग्रीमेंट है, बात की जा रही है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको नाफ्टा बोलते हैं। नाफ्टा यहां पर साइन किया गया था 1994 में नाफ्टा साइन किया गया था, किस किस के द्वारा, ये है कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जा रहा है इस तरीके से इसको, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका में ये एरिया है, आप लोग देखते हैं ये यहां पर यूनाइटेड, ये यहां पर हो गया कनाडा, ये हो गया यहां पर यूएसए और ये हो गया यहां पर मेक्सिको। तो इनके द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया, ताकि देखिए जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है उसको बहुत फायदा होता है यहां पर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि चाइना के साथ में अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो कहने का मतलब यह है कि चाइना को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला है और आसानी से, और ताकि वहां पर कोई टैरिफ भी नहीं लगाए जाएंगे, कोई प्रतिबंध भी नहीं रहेगा। तो जो यहां पर साइन किया गया था तो काफी लंबे समय हो गया था, पर लेकिन अब जो जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए वो यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे और बोल रहे थे कि आते ही सबसे पहले इसको हटाएंगे, इसमें कई सारे चेंज लेकर आएंगे, क्योंकि ये उस हिसाब से नहीं है कि यहां पर हमारी कंट्री की जनता को फायदा पहुंचा सके।
आइए एक बार ढंग से मैप में निहार देते हैं, क्या पर्टिकुलर कंट्री, ये होगी हमारी प्यारी पृथ्वी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बीचे बीच हमारा प्यारा भारत। इधर को आप लोग चलेंगे इस वाली साइड में तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हो गया ऊपर कनाडा, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर कनाडा, ये देखिए यहाँ पर, ओके। थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हो गया यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पर हो गया मेक्सिको। तो इन तीन कंट्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है डिटेल में। तो अब देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही हैं। अभी हुआ क्या है, हुआ यह कि एक नई डील निकल कर आई, नई डील का नाम भी थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये अलग नाम क्या है यहाँ पर, जो पहले जिसको नाफ्टा बोला जाता था, यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब इसका नाम चेंज करके लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसएमसीए, यानी कि यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो अब इसमें क्या क्या चेंजें की गई है, जो कि यहाँ पर चेंज किया गया है नेफ्टा के अंदर, वो यहाँ पर बातें डिस्कस करेंगे। पर लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताइए कि ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड वार चल रही है, यानी कि यूएसए क्या कर रहा है, जिस कंट्री के साथ में भी इसका ट्रेड डेफिसिट है उस कंट्री के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा रहा है। जिस तरीके चाइना के ऊपर आप लोग देखते हैं कई सारे टैरिफ लगा रहा है, अगर चाइना का प्रोडक्ट यूएसए में लाकर बेचा जाता है तो वो महंगा कर देता है उसके ऊपर टैक्स लगाकर, यानी कि एक कंपटीशन यहाँ पर अच्छा खासा दिया जा रहा है। और चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना भी इसी तरीके से काम कर रहा है, जैसे को तैसे वाला काम यहाँ पर चल रहा है। तो अभी मेक्सिको के साथ में जो ये रिवाइज किया गया, तो यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रही है, तो एक नया सिग्नल है कि आने वाले टाइम में और भी शानदार तरीके से यूएसए जो है अपने रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ में चेंज करने वाला है, क्योंकि अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ रहा है, नेटो के मेंबर को नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरों को क्या छोड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर यहां पर यह बात की जा रही है। आखिर क्या प्रॉब्लम थी अब तक प्रॉब्लम ये थी कनाडा के साथ में, अगर कनाडा के जो डेयरी प्रोडक्ट है वो उनको प्रोडक्ट करते थे, यानी कि जितना भी कनाडा का डेयरी प्रोडक्शन है वहां पर बाहर से जो यूएसए से कोई यहां पर प्रोडक्ट आता था वो थोड़ा महंगा हो जाता था, यानी कि अपना जो लोकल प्रोडक्ट था वो सस्ता था और बाहर का प्रोडक्ट महंगा था। तो इससे क्या होता था, इससे होता था कि जो लोकल प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे, जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है उसको नहीं खरीदेगा कोई। कहने का मतलब ये, अगर एक टी शर्ट है जो शानदार क्वालिटी की है, आप लोगों को एक तो बाहर की कंट्री लाकर बेच रही है और एक आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी खुद की कंट्री बेच रही है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारी कंट्री की सस्ती है तो हम लोग अपनी कंट्री खरीदेंगे, क्यों फालतू में यहाँ पर पैसे वेस्ट करेंगे। तो नॉर्मली ये चला हुआ आ रहा था, अब क्या हुआ, यहाँ पर अलाउ कर दिया गया डेयरी प्रोडक्ट जो यहाँ पर, और खासकर यहाँ पर इस तरीके से जो कनाडा के, इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे फायदा ये होने वाला है, देखिए मार्केट में जितना कंपटीशन रहता है तो उतना ही यहाँ पर प्राइस जो होता है वो डाउन आता चला जाता है। तो कनाडा के कंज्यूमर को तो फायदा होगा, पर लेकिन कनाडा में जो लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। हालांकि कनाडा और मेक्सिको ने दोनों ने कहीं ना कहीं जो आज तक की आपको देखने को मिलेगा जो यूएसए का जो रवैया था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। यहां तक यूएसए क्या करता था, हमेशा कनाडा और मेक्सिको के ऊपर कई तरीके के इंपोज लगाकर रखता था, ताकि वहां पर जो अपनी खुद की जो लॉबी है उसकी कंट्री की जो लॉबी है उसको वहां पर कहीं ना कहीं अपनी लॉबी को फायदा पहुंचा सके और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, कम से कम अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ा सके। पर लेकिन यहाँ पर जो अभी जो स्टेप लिखाया गया है ये मैक्सिमम जो यूएसए के फेवर में बोला जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पर ट्रेड डील करी गई है, यहाँ पर जिस तरीके से टेंशन थी आज की डेट में, कहीं ना कहीं कनाडा ने और मेक्सिको ने कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज कई तरीके से किया, एक तो आप लोग देखते हैं कनाडा ने यहाँ पर ओपन कर दिया डेयरी प्रोडक्ट के लिए, जो कि यूएसए की जो प्रोडक्ट है आप काफी शानदार तरीके से कनाडा में लाकर बेचे जा सकेंगे। अब इसके साथ में कुछ और बातें हैं, उन पर भी थोड़ा आराम से नजर डालते हैं। देखिए एक अलग बात यहाँ पर ये की जा रही है कि यहाँ पर आज की डेट में जो यहाँ पर जो जनता देखिए जो काम करती है, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझिए, आप लोग इसको ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए हमारी कंट्री में आज हमारी कंट्री होगी इंडिया और यहाँ पर होगी आज की डेट में यूएसए, ठीक है। तो यूएसए और यहाँ पर आप लोग चाइना भी ले लीजिए, चलिए थोड़ा सा और अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पर। अगर कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बनाया जाता है, कोई ए नाम का प्रोडक्ट है, ये हमारी कंट्री में बनाया जाता है और जहाँ पर इसको बनाने की जो कॉस्ट लगती है, मटेरियल को छोड़ के लेबर कॉस्ट की बात करूंगा, ओनली लेबर कॉस्ट यहाँ पर लगती है ₹6। ये प्रोडक्ट ए चाइना में बनाया जाता है, उसकी लेबर कॉस्ट लगती है यहाँ पर ₹2, और ये लेबर कॉस्ट अगर यूएसए में बनाया जाता है इसकी लेबर कॉस्ट आती है यहाँ पर ₹20, ठीक है। अब जब मार्केट में निकल कर आएगा, मटेरियल का प्राइस सब जगह सेम है और लेबर कॉस्ट अलग अलग हो रही है, तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट किसका होगा, चाइना का होगा। सॉरी तो जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट होगा वो किसका होगा, वो होगा चाइना का, दूसरे नंबर पर होगा इंडिया का, और तीसरे नंबर पर जो प्रोडक्ट होगा वो यूएसए का होगा, यानी कि सबसे महंगा यूएसए का होगा। अब जब तीनों प्रोडक्ट एक साथ में मार्केट में आएंगे तो आप लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो नॉर्मल सी बात है चाइना का प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट, अगर यहाँ पर मटेरियल भी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है तो ये खरीदेंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट तो एक तरीके से अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग कंट्री में रहने का स्टैंडर्ड अलग अलग है, तो उसके बेस पर यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम किया गया, यहाँ पर यह किया गया कि देखिए जो यहाँ पर रेगुलेशन
रेगुलेशन था उसमें थोड़ा चेंज किया गया, और जो यहाँ पर रेगुलेशन में चेंज किया गया उसकी वजह से जो यहाँ पर मिनिमम वेज थी वो थोड़ी बढ़ गई। यानी कि जो नया यहाँ पर USMCA जो नया एग्रीमेंट निकल के आया यहाँ पर, इसके हिसाब से जो लेबर कॉस्ट थी वो बढ़ा दी गई। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ा दी गई तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट थे जो मेक्सिको में या फिर कनाडा में बनते थे उसके प्रोडक्ट का प्राइस भी थोड़ा महंगा हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाएगा और जो प्रोडक्ट यहाँ से बाहर से आएंगे, अब उनके बीच में एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये था, अब तक का लेबर कॉस्ट यूएसए में काफी महंगी है, यूएसए में लेबर कॉस्ट महंगी है, इसलिए प्रोडक्ट जो बनते हैं वहां पर महंगे बनते हैं। अगर बात करें मेक्सिको और कनाडा में, लेबर कॉस्ट एज कम्पेयर टू कनाडा में सस्ती, यहां पर मेक्सिको में और भी सस्ती है, तो यहां से कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा था तो वो थोड़ा सस्ता हुआ करता था मार्केट में। अब क्या कर दिया गया, वो प्रोडक्ट यहां पर महंगा होता हुआ नजर आएगा क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ा दी गई है। लेबर कॉस्ट बढ़ा दी गई, देखिए लेबर को तो फायदा हुआ है, जनता को पैसा अच्छा मिल रहा है तो उनको तो फायदा हो रहा है, पर लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट में निकल कर आ रहा है वो अब महंगा हो गया है। अब यहां पर एक कंपटीशन देखने को मिलेगा यूएसए के प्रोडक्ट में और मेक्सिको के प्रोडक्ट में, तो कौन सा खरीदा जाएगा अब ये डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी के ऊपर कि कितनी क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ यहां पर कंपटीशन और हो जाएगा जो बिजनेसमैन है उनके लिए, और कहीं ना कहीं यूएसए के कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसी को चाह रहे थे और इसीलिए यहां पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब यहां से एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल निकल के आता है, वो क्या है कि जैसे यहां पर इनके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, अब थोड़ी सी कमर कस लेनी चाहिए किसके द्वारा, यहां पर यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और इंडिया, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे जो भी यहां पर एग्रीमेंट है उनको ये रिवाइज करेगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला भी गया है, और आने वाले टाइम पर इनको और तरीके से यहां पर चेंज करने की कोशिश करेगा। अपने एक स्पीच में इनके द्वारा बोला गया टैरिफ किंग, हमारी कंट्री को टैरिफ किंग बोला गया अपने गृहमान में झाके बगाए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, यानी कि हम टैरिफ लगाते हैं, हम टैक्स लगाते हैं, इंपोज करते हैं, कुछ ऐसी बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई है। तो देखिए अभी आने वाले टाइम में और भी यहां पर जद्दोजहद झोलनी पड़ सकती है, जिस तरीके से यहां पर ये प्रोटेक्शन की जो नीति अपनाकर चल रहे हैं अपनी कंट्री के हिसाब से, तो आने वाले टाइम में ये कोशिश करेंगे कि इंडिया के साथ भी नेगोशिएशन किया जाए और कम से कम इस तरीके से चीजों को किया जाए ताकि उनका एक्सपोर्ट भी यहां पर बढ़ सके। ठीक है, उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ सके और खासकर उनकी कंट्री के लिए भी यहां पर कुछ फायदा हो सके, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको देखकर चलने की कोशिश की जाएगी आने वाले टाइम में। तो ट्रेड वार ऑलरेडी चल ही रहा है और अब ये एक नया और फंडा निकल कर आएगा, तो देखते हैं आगे किस तरीके से चीजों को नेगोशिएशन किया जाता है और कैसे यहां पर रिजल्ट निकल कर आता है वो आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं ऐसे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बनते हुए कई बार नजर आते हैं। ओके, अगला आर्टिकल देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर ड्रोन के बारे में। ड्रोन कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों ने कई बार आसपास वाले एरिया में देखा भी होगा, ये उड़ाया जाता है, आप लोगों ने कई बार मूवीज में भी देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। ये देखिए एक हथेली पे आ गया, एक उंगली के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर ये कुछ इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, यहाँ पर एक जहाज के टाइप का ड्रोन है और ये ऐसा ड्रोन है। तो अलग अलग साइज और शेप में आकार में ड्रोन आते हैं, तो इसी के ऊपर कंप्लीट आर्टिकल है। आर्टिकल में राइटर ने क्या बात करी है, कुछ काफी शानदार बात बोली गई है, देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके द्वारा ड्रोन पॉलिसी यहां पर अनवील की गई। ड्रोन पॉलिसी निकल कर आई पर लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल यहां पर है, बहुत सारे गड्ढे हैं रास्ते में, बहुत सारी रुकावटें हैं उसके पाथ पर कि यहां पर एक ड्रोन ढंग से निकल कर लेकर आ सके। पॉलिसी तो निकाल कर लेकर आ गई पर लेकिन कई सारी कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिली। अगर दूसरी कंट्री में आप लोग देखेंगे तो पॉलिसी यहां पर शानदार तरीके की होती है, मार्केट भी शानदार तरीके की होती है, अच्छे से उसको रेगुलेट किया जाता है और उसी की वजह से बहुत सारे लार्ज स्केल पर वहां पर उनका एक जो यहां पर ये वाली मार्केट है ड्रोन वाली वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक तो यह है कि अब तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, अब यहां पर अलाउ कर दिया गया है, तो यह एक अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन इंडिया देखिए जो वर्ल्ड जो है इस पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि अमेज़न जो है वो आज की डेट में क्या कर रहा है, ड्रोन के थ्रू डिलीवरी कर रहा है प्रोडक्ट की, जो यूएसए में अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। यानी कि अभी जो आप लोग ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं नॉर्मली एक इंसान देने आता है, पर लेकिन आने वाले टाइम में ड्रोन लेकर आया करेगा, कोई इंसान यहां पर लेकर नहीं आएगा, तो उससे क्या फायदा होगा। एक तो रास्ते में जाता है इंसान तो कहीं ना कहीं जैम वगैरह लगा रहता है तो फंस के खड़ा हो जाता है, और इसके अलावा अलग से उसको पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। ड्रोन एक बार खरीद लिया कुछ करना ही नहीं है उसको, बैटरी भरनी है और उड़ाना है आराम से, तो वो एक फंडा अलग निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा यहां पर चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, टेक्नोलॉजी का और ज्यादा यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर बात बोली जा रही है। पर लेकिन इस तरीके की जो इंडस्ट्री है जो बढ़ रही है और इंडिया क्या कर रहा है, अपने जो पैर है यहां पर पीछे खींच रहा है। आखिर कैसे पीछे खींच रहा है, हमारी कंट्री में अगस्त से पहले ड्रोन उड़ाना इलीगल था, अलाउ नहीं था हमारी कंट्री में, अगर कोई ड्रोन उड़ाएगा तो ये इलीगल था। पर लेकिन अगस्त में हमारे यहां ड्रोन रेगुलेशन की एक पॉलिसी निकल कर आई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एक नया स्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया गया किस तरीके से अपनी कंट्री में ड्रोन उड़ा सकते हैं और किस तरीके से अपनी कंट्री में ड्रोन को हम लोग मैन्युफैक्चर या फिर डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिसी
से तो निकल कर आ गई, पर लेकिन ऐसी नहीं निकल कर आई जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी, जैसा सोचा जा रहा था। अब राइटर यहां पर ये बोले हैं कि हमारी कंट्री के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है सुरेश प्रभु जी, उनके द्वारा दो बातें बोली गई, दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि दोनों बातें ऐसी बोली गई, एक साइड में तो आप लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड में आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जो दिन है बिल्कुल अच्छा हो, आप लोग जो है हष्टपुष्ट रहे, और दूसरी साइड में क्या चाहते हैं, आप लोग मॉर्निंग में टाइम पर उठना भी नहीं चाहते, एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके की कुछ बातें बोली गई, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि लेटे लेटे ही आप लोगों का सारा काम हो जाए, आपकी बॉडी भी हष्टपुष्ट रहे, आप एक तरीके से अच्छे से आप लोग एनर्जेटिक रहे और सब कुछ काम चलता रहे, तो पॉसिबल तो है नहीं किसी भी तरीके से। कहने का मतलब क्या है, बिना एक्सरसाइज के आप लोग चाहते हैं वेट लूज हो जाए, और आप लोग खाना भी जितना दबाकर खा रहे हैं वो खाते रहे, तो कुछ ऐसी बात यहां पर बोली गई है। बोला क्या गया है, एक साइड में तो बोला गया कि देखिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारी कंट्री का जो पोटेंशियल है ये ड्रोन मार्केट का लगभग 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन एक ह्यूज मनी होती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री का इतना यहां पर एक तरीके से पोटेंशियल बोला गया है, पर लेकिन दूसरी साइड में यहां पर दूसरी सांस में ये भी बोल दिया गया कि देखिए हमारी कंट्री में अगर बात करें यहां पर इन्वायरमेंट के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहां पर इसको थोड़ा सा देखकर रेगुलेट करना पड़ेगा। यानी कि एक साइड में तो आप लोग चाह रहे हैं कि मार्केट शानदार है उसको बढ़ा जाए, और दूसरी साइड में आप लोग उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 कैटेगरी में यहां पर बोला गया रेगुलेट करने के लिए ड्रोन को, नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन और लार्ज ड्रोन। यानी कि ड्रोन की कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया, जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया छोटे से बड़े ड्रोन यहां पर इस तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये ड्रोन है, इनको रेगुलेट करने की यहां पर बात की गई, 5 कैटेगरी में यहां पर ड्रोन को डिवाइड किया गया। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें नैनो ड्रोन को अप टू द 50 मीटर हाइट पर यहां पर उड़ाया जा सकता है, ठीक है, और वो भी खासकर एयरपोर्ट वाले मिलिट्री वाले एरिया में यहां पर ये सारी चीजें करना अलाउ नहीं है। तो ये यहां पर देखिए, इसके अलावा अगर बात करें माइक्रो कैटेगरी के जो ड्रोन होते हैं उनको अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों को खरीदना है जाकर कोई सी भी कैटेगरी का इस तरीके का ड्रोन, तो आप लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर दिया जाएगा, और इसके साथ में आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जाकर, ठीक है। तो यानी कि राजनाथ सिंह जी के पास आप लोगों को जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि भैया हम लोगों को ड्रोन उड़ाना है, तो आप लोग ये फाइल जो है क्लियर कर दीजिए, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट के पास से पड़ी होती है। आप लोग गवर्नमेंट से कोई काम कराने जाएंगे ना, तो हमारी कंट्री में हालत जो है काफी खस्ता है, मतलब प्राइवेट कंपनी में अगर वो काम कराया जाएगा तो हाथों ही हाथ हो जाएगा और गवर्नमेंट में जाएंगे। एक बार यहां पर ऐसा भी कुछ हुआ मेरे साथ में, एक मतलब कनेक्शन लेना था मुझे MTNL का, तो उस टाइम पर क्या हुआ, यहां पर एक यहां पर बंदा था, ठीक है, तो मैंने उसको जाकर बोला कि भैया इस तरीके से कनेक्शन लगाना है तो आप लोग कनेक्शन लगा दीजिए। तो यहां पर जो मैंने फॉर्म वगैरह भरा जाकर, तो यहां पर उनको पूरी फी वगैरह सबमिट करी, तो यहां से और इस बराबर में एक रूम था, यहां से वो फाइल यहां पर जानी थी, तो वो बराबर में वहां से उठको वो फाइल मुझे दे देता, तो मैं भी उसको जाकर पकड़ा देता कि भैया मेरा जो एक्टिवेट था वो सिम एक्टिवेट हो जाए, इंटरनेट वगैरह चलने लगे आराम से। पर बंदे ने ऐसा नहीं किया, कह रहा है कि ये फाइल यहां से यहां तक जाएगी, कोई चपरासी आएगा वो इस फाइल को यहां से लेकर जाएगा और फिर यहां पर जाएगी और फिर कल इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि आगे क्या होना है। मैंने ये बोला फाइल मुझे दे दो कि मैं पहुंचा देता हूं यहां पर, मतलब थर्ड डिस्टेंस कितनी थी, लगभग मैक्सिमम 5 मीटर, एक रूम से दूसरे रूम में जानी थी बस, और यहां पर ये कंडीशन, तो इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है मेरा इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे में कि अगर इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर जो जनता है वो काफी परेशान रहेगी, और जो ड्रोन की आप लोग कह रहे हैं ना 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, वो कभी भी फलने फूलने वाली नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम काफी देखने को मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम में। और इसके अलावा यहां पर बोला जा रहा है अगर यहां पर माइक्रो ड्रोन आप लोगों को बिलो 200 फीट उड़ाना है, ठीक है, तो यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोकल पुलिस स्टेशन से जाके पहले 24 घंटे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम लोगों को ड्रोन उड़ाना है, तो आप लोग बताइए इसको क्या करना है। वो बोलेगा पहले 100-200 रुपए दे, उसके बाद में ड्रोन उड़ाना। तो कहने का मतलब ये कि ये कंडीशन काफी खतरनाक होने वाली है। चाइना की अगर आप लोग देखें ड्रोन मार्केट आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट की ये लगभग 9 बिलियन हो चुकी है, और अगर 2020 तक होने वाली है, अगर यूएसए की कमर्शियल ड्रोन मार्केट की बात करें तो ये लगभग 2.5 बिलियन के करीब आप लोगों को ग्लोबल मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ड्रोन की मार्केट में आप लोगों को एंट्री करनी है, इतने बड़े बड़े यहां पर पावरफुल मार्केट में कंपटीटर बैठे हुए हैं और इस तरीके की पॉलिसी लेकर आप लोग मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो आप लोग यहां पर कर पाएंगे? तो देखिए ये एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों को फ्री मार्केट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहां पर इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, अच्छा सा रेगुलेशन करना पड़ेगा, जब जाकर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था यहां पर बातें। नेक्स्ट बातें की जा रही है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार गांधी जयंती के दिन, और 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है 2019 में उस तक कंप्लीट करने की बात की गई थी। यहां पर 4041 टाउन थे अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से, और यहां पर कई सारी बातें की गई, ओपन डेफिकेशन फ्री होना है, नए टॉयलेट बनाने हैं, एक तरीके से जो मैनुअली स्क्वेंजिंग की जाती है, यानी कि जो हमारी जनता है, जो इंसान है, उनको जाकर गटर में जाकर अंदर से उसको साफ करना होता है, उसको रोका जाएगा, म्युनिसिपैलिटी जो वेस्ट है उसको मैनेज किया जाएगा, इसी के अलावा बिहेवियर चेंज किया जाएगा। तो ये तमाम बातें की गई, और इनका देखिए अभी आज के दिन में हमारी कंट्री पर इंपैक्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी यही कुछ बातें यहां पर बोली जा रही है।
अब से कुछ चार साल पहले यहां पर, अगर चार साल पहले की बात करें, अगर ओपन डेफिकेशन की बात करें यानी कि खुले में सोच की बात करें, तो हमारी कंट्री में वर्ल्ड के 60% लोग खुले में सोच करते थे। आज की डेट में घटकर ये लगभग 20% तक आ चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट बोल सकते हैं। बहुत सारे टॉयलेट वगैरह बनाए गए आज की डेट में, आप लोग देखते हैं बच्चों के लिए टॉयलेट बनाए गए यहां पर स्कूल्स में, जिसकी वजह से यहां पर जो एनरोलमेंट रेशियो है वो भी बढ़ा और एजुकेशन लेवल भी हमारी कंट्री का बढ़ा। तो तमाम बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है। बाकी आप लोग सभी जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कोई नई बात नहीं है। यहां पर देखने को मिला फार्मर के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो यहां पर एक तरीके से काफी गलत तरीके से यहां पर जो है यहां पर पुलिस के द्वारा एक पानी के द्वारा यहां पर एक तरीके से इनके ऊपर अटैक किया गया, ताकि यहां पर प्रोटेस्ट को तितर बितर किया जा सके। ठीक है, तो एक कंडीशन आप लोग देखते हैं, गलत लगता है ऐसी चीजें अगर देखी जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियस गुटेरेस, जो हमारी कंट्री के विजिट पर थे, इन्होंने बोला है कि इंडिया आने वाले टाइम में एक लीडिंग रोल प्ले करेगा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बात यहां पर बोली गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, खासकर अगर बात करें क्लीन एनर्जी की, तो ये कौन से नंबर का गोल है आप लोगों को ये बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि कौन से नंबर का ये गोल है। ओके, नेक्स्ट जो बात की जाइए, वेंकैया नायडू जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया वर्ल्ड पीस म्यूनामेंट, कहां पर ये यहां पर इनोग्रेट किया गया, पुणे में, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे जो बात की जा रही है ये की जा रही है टॉयलेट के बारे में। देखिए टॉयलेट के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप लोग जानेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा, कल इसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। रिविजन करते रहिएगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल जो सैनिटेशन कवरेज है, वो ये बोला जा रहा था कि 2030 तक सबको यहां पर कवर करना है। पर लेकिन अगर जिस तरीके से हम लोग जिस प्रवृत्ति से चल रहे हैं, उसी प्रवृत्ति से हम लोग चलते रहे, तो हम लोग ये जो यहां पर ये डेडलाइन है इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बोला जा रहा है अच्छे से इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, अच्छे से नई पॉलिसी लेकर आनी है। अगर आप लोग रियली इसको करना चाहते हैं, तो आप लोग को अच्छे अच्छे स्टेप यहां पर उठाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कितने स्टेप उठाए जाएंगे, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में भी अर्थक्वेक देखने को मिला आप लोगों को, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर रिलीफ मटेरियल और हेल्प यहां पर सेंड की गई है आईएनएस तीर के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। सुनामी आप लोगों को देखने को मिली थी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिले, हालांकि नैनो मैगजीन में हम लोग मॉर्निंग में देख चुके हैं, एक बार और नाम देख लीजिए जैसे कि आप लोगों को याद रह जाए। लेजर जो टेक्नोलॉजी है उसके फील्ड में यहां पर काम किया गया, और एक महिला को 55 साल के बाद में यहां पर यह अवार्ड दिया गया। तो तीनों पर्सनैलिटी के नाम देखिए आप लोग एक बार, जिसे कि आप लोगों को याद रह सके। पहले नाम है यहां पर ये अर्थर अस्किन, ठीक है, दूसरे यहां पर गेरेड मोरुरू, तीसरे यहां पर ये एक महिला है, इनका नाम है डोना स्टिकलैंड। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने काम किया किसके फील्ड में, लेजर टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया, जिसके तहत इनको यहां पर ये प्राइज दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। आगे यहां पर नजर डालते हैं, यहां पर ये आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन पूछा है, 2 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री जी की भी सेलिब्रेट की जाती है, जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। अरविंद कुमार के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। इसके अलावा ये लोक लेखक के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके बारे में आप लोगों को। इसके अलावा यहां पर ये है, यहां पर जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि फर्स्ट फीमेल जो यहां पर जिसके द्वारा रेल चलाई गई थी, लोको पायलट कौन थी, ये था मेरा क्वेश्चन। तो इनका नाम था सुरेखा शंकर यादव, ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पूछा था यहां पर कौन से स्टेट यहां पर स्पेशल कैटेगरी में है, तो ये टोटल 11 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। मैक्सिमम आप लोगों को 7 या 8 स्टेट तो ये हो गए हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। इसके अलावा ये आप लोगों को और देखने को मिलेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया और उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट हो रहे हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था रिटायरमेंट एज के बारे में। ठीक है, इनकी यहां पर बोली जा रही है 65 साल, और यहां पर यह बोली जा रही है आप लोगों को 62 ईयर। ये है सुप्रीम कोर्ट के और ये यहां पर हाई कोर्ट के। आप लोगों को ये बताना है कैग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट एज बतानी है, दोनों की आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए आप लोगों से पूछा गया है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आप लोग यहां पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों करके कमेंट जरूर बताइए। सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, शेयर करना मत भूलिए जहां पर भी आप लोग कनेक्ट हैं। तो ये था हमारा टोटल आज का डिस्कशन। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।